तो पुण्य आत्माओं, गुरु को तजे बजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्व से आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहां मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजे भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये, तो गुरु के कहते हैं गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई। अरवा के हृदय में रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। दसवां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। अपन आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की वाणी हम पहले ही पढ़ा करते थे। कबीर चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीरे। दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रे साहेब कबीरे। अब यहां आप, क्योंकि आपको अपना वो अक्षेत्र मिला है, जो उपजाऊ जमीन है, इसमें जितना बोओगे 1000 गुना आपको तुरंत वापस मिलेगा। ये कोई भाट भिखारी का आश्रम नहीं, उस समर्थ का दिया हुआ आश्रम है, उसका दिया हुआ ज्ञान है। यहां पहले हम क्या क्रैक देखा करते थे गांव में, कि भी ऐसे कोई आपत्ति आ गई, कोई धर्म कर दो, बना के मीठे चौल खा लिया करते, उसी से आपत्ति हल्की हुई महसूस होती थी। और यहाँ कैसे भंडारे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ से दुखी आत्मा आती है, यहाँ आते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ आते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो दस का नहीं, दस का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का, और दस के तीनों लोग खैर आए तो मैं खैर है कि जय आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, दसवां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माहे रही जे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपना तो हम भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्य दान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है। वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का भी दान फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई कबूतर को, पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के, गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा, गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले, तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा, कुत्ते की योनि में जाएगा।
और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे मालिक गाड़ी पे, और मालिक चला मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाट से, और अलग से कमरा होगा उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की ओर में, अराग्य के बनेगा फिर सूर बनेगा फिर क्या सुविधा पाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है जय पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान और गुरु मिल गया तो दान दान के फिर सारा कुछ ही होगा, वहां तो मोक्ष भी मिलेगा मंत्र भी मिलेंगे या तो पार हो जाएगा, पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो, कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो।